तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं 8, हम सुबह निकलने वाले थे 6, मगर सबसे बड़ी बात है कि लेट सोया, मैं रात को एडिटिंग करता रहा। और आज सुबह से जब से मुझे लाइट नहीं है तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है, स्पेशली वॉशरूम जाना वगैरह, क्योंकि बहुत अंधेरा होता है सुबह सुबह। एक्टिंग तो हो गई, ये देखिए दो गीत स्पेशल है और भी है, ये बस गीत को उठाते हैं और फिर चलते हैं। मुझे लगता है कि 8:30 तक निकल जाना चाहिए, मेनली लाइट की प्रॉब्लम में आती है तब कि हमारी मम्मी जाए वॉशरूम वगैरह। दोस्तों 8:30 हो गए, आधा घंटा हो गया सिर्फ और सिर्फ फालतू इधर उधर घूमने में, ये गीत और गीत की नानी के चक्कर में लेट हुए हैं हम। वैसे हम भी क्या कर रहे हैं, मैं आपके सॉक्स ढूंढ रही हूँ जो आपने कल भरे थे ना, आप उसी टाइम निकाल लेते तो बहुत अच्छा। उसमें सॉक्स नहीं जोड़ बिजोड़े, कोई भी जो एक भी जोड़ का नहीं है, इसलिए तो नहीं निकाल रखे, तो ना यहाँ थे ना नए सॉक्स ला के। लेट हो गए हैं, मुझे लगता नहीं कि जिस काम के पर्पज से जा रहे हैं वो हो पाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। थोड़ी गाड़ी तेज चलेगी, बस सेफ्टी से चलेगी। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, आई होप हमारी जर्नी सेफ हो। जय माता दी। नहीं आ गई हूँ मैं, वो भी जा रहा है गीत आपके साथ, वो भी जा रहा है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए कौन लेट करता है, ये गाड़ी के कागज घर पे रख के आए थे, है ना? सर्विसिंग कर रहे थे, गाड़ी कागज तो हटाने पड़ेंगे। चलो देखना ये वाला गेट लग नहीं रहा क्या? गेट चलो गेट चलो लग गया। चलो भाई, तो जय जय माता दी। पेट्रोल जय माता दी, पेट्रोल क्या हो गया यहाँ पे? दो ट्रक कैसा पलटा है? दिख रहा है ना उनको अपोजिट ट्रक आ रहा होगा ना? हाँ, सब तोड़ के चला गया, तोड़ के अंदर गिर गया वो। चलो भाई चलो आगे चलो, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओ। जान जान के देखते तुम कैसे झक रहा है यार, मतलब एक टाइप से मेरा लग गया। कैसे पूछ सकते हैं, सुबह सुबह हुआ होगा, थोड़ा पिए होगा। हाँ 4-5 बजे हुआ, उसे लगा होगा क्योंकि अपोजिट आ रहा है ना, कोई सामने कोलिजन होने का डर ही नहीं है। तो दोस्तों टेक केयर है, सुबह सुबह ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं जो बी कार्स के बजाय। कार्स में अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ बोनेट टू बोनेट टकराएगी और कुछ नहीं होगा। जो ज्यादा गंदे एक्सीडेंट होते हैं वो सुबह के टाइम ज्यादा होते हैं, मोस्टली नींद का समय होता है या खाली रोड होता है तो आदमी तेज चला लेते हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं, कहां है मालिया जी? गीतू तो दोस्तों सुन का छाया है अभी तो, और यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ आ गए होंगे। गीत गर्मी लग रही, पापा ने चलो पसीना गर्मी है अभी तो, सिर्फ बजे हैं, मम्मी को यही ला देंगे यार, कहाँ चलना है तो पूछ ले। गीत कहाँ गए पर? नानी कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों भोपाल जा रहे हैं, मेरा गीत को समझ में आ नहीं रहा, कहाँ जा रहा है? आज स्कूल नहीं गए क्योंकि स्कूल नहीं गए आज जो रचना ऑर्डर कर दिया मैंने, 3 पोहे 1 इडली, डोसा करना है क्या? नहीं कर दो, हाई फाइव नहीं कर दो, वो कर दो ता ता। तो पोहा आया है, पोहा गया है, इडली कितनी देर में आ रही है? डोसा बोल रहे क्या? नहीं बोला तो। यार
चलो अभी। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है और गीत ने कुछ खाया नहीं, पोहा हमने खाया, इडली खाई और चलो रास्ते में टाइम कम है, बातचीत ज़्यादा करनी है तो चलो। और हमारी गाड़ी में एसी है मगर रचना को एसी पसंद नहीं है क्योंकि रहे देसी है ना, कभी रहे नहीं एसी में, इसलिए घर में नहीं लगवा रहा एसी, यहाँ एसी की तेजी हो रखी है हमारी। आई हेट यू। चुके तो रचना आई है भोपाल, कितने साल और 1 साल 2 महीने, लास्ट ईयर जनवरी में आई थी और अब आई है। मैं एक बार बीच में आ चुका हूँ भोपाल क्योंकि नानी जी 1 साल हुई थी मेरी लास्ट, सब आए थे। हाँ मम्मी 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और मैं आया था बीच में मई में जब नानी जी 1 साल हुई थी तो मैं अकेला आया था कार से जब कोरोना। नहीं मम्मी तुमको मिलाना है भैया से, नानी काय का शौक तुम्हें रो रही हो रोज। हाँ नो नानी काय का शौक। ये है बैरागढ़, यहाँ से हमने अपनी शादी की शॉपिंग की थी, ज्यादातर भोपाली बैरागढ़ से ही होलसेल में क्योंकि होलसेल का मार्केट है शॉपिंग करते हैं। हमने अपनी खूब सारी साड़ियाँ पूरा बर्तन का सेट यहीं से लिया था। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है और ट्रैफिक होता है दोस्तों, ये बीच में बता दिए। बस के लिए कुछ मुझे नहीं लगता कोई यूज है इसका, नहीं सिर्फ बस के लिए है और कोई यूज नहीं करता बट वो ट्रैफिक है ना, रोड छोटी कर दी। बात होली का सामान मिल रहा है, होली का दहन है आज रात को दोस्तों, लेट हो चुके हैं 12 बजे से पहले पहुंचना था, अभी 10 मिनट बचे हैं और अभी आधा घंटे तो ऊपर लगेगा, ट्रैफिक बहुत है। यहाँ पे सीएनजी ऑटो नहीं चलते, इंदौर में आपको ग्रीन वाले ऑटो मिलते हैं, भोपाल में ब्लैक। और मालवीय जी चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, इनका काम ही है चिल्ला रहे ऑटो लोग ज्यादा उसको बातों में लगा, सवारी से 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए कम कर रहे। तो दोस्तों ये आ गए हैं हम गांधीपुरा सर्कल और यहाँ पे था मेरा कॉलेज जहाँ मैं 4 साल B के मैंने आता था रोज, और इस चौराहे में हमने चक्का जाम भी किया है क्योंकि एक बार हमारे सीनियर के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी इसी चौराहे पे, तो हम पूरा कॉलेज आया था यहाँ पे चक्का जाम करने और कुछ अलगाववादी उपद्रवी उन्होंने पत्थर मार दिए थे पुलिस के ऊपर तो पुलिस ने फिर जो कचेड़ा सबको भागे थे, तो हमको याद है वो हम 3rd ईयर में थे और सीनियर 4th ईयर वाले सीनियर था, ये इधर था हमारा रोड। अभी अगर टाइम रहा जाते में तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे, आपको कॉलेज बंद हो गया था दोस्तों। ये है सेंट्रल जेल, वाह क्या चीज बताने बहुत सही चीज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, पता होनी चाहिए ना जेल है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़े बड़े लोग मोनिका बेदी, मोनिका बेदी यहाँ पे है अभी भी है शायद, अब तो रिलीज हो गई ना, नहीं नहीं काम मुझे नहीं लगता। सो फ्रेंड्स हमारा जो बैंक का काम था वो ऑलमोस्ट हो गया है, 4 बजे हमें फिर से जाना है, थोड़ा सा बचा है काम, तो अभी हम जा रहे हैं मेरे घर जो मेरे पापा मम्मी का घर है वहाँ हम जा रहे हैं। हालांकि मैं उस घर में अब नहीं रुकती हूँ, जी हाँ ये सच है मैं उस घर में नहीं रुकती हूँ क्योंकि वहाँ पापा की यादें हैं, मुझे उस घर में नहीं अच्छा लगता है। हम उस घर में इसीलिए जा रहे हैं, एक माँ को उसके बेटे से मिलाने जा रहे हैं, मेरी मम्मी को भैया से भाभी से मिलना है, 2 साल बाद 2 साल से ज़्यादा हो गया है मम्मी नहीं मिली, अभी वो लोग नाइजीरिया से वापस आए हैं, जैसा कि अगर आपने प्रैंक वीडियोस देखे हो तो मेरे भैया नाइजीरिया में जॉब करते हैं, तो मेरा घर है यहाँ, घर तो मेरा ही है। ये रास्ता है गीत मम्मा की गलियाँ यहाँ से राइट। Thank you.
बार बार मीरा कह रही हूँ। ओह गॉड, ये छांव में गाड़ी लगाएंगे यार तुम्हें? तोड़ मत दियो हमारे घर को। बेल वर्मा जी लिखा भी चल अरे छांव में गाड़ी। गीत रुको, गीत इधर आ। जाओ मम्मी तुम्हारा घर आ गया। जा देखो अम्मा का घर आया है। कौन है ये? चीनू? कौन है ये? ये चीनू है। गीत कौन है ये? चीनू। कहाँ भाग रहे हो? हेलो, वहाँ आपको दिखाते हैं भरत मेला का उल्टा। हेलो चिनू दीदी, चलो माँ बेटे का मिलाप। हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो चलो ना मम्मी, कब चलोगी? हेलो, हाँ तो हम तो जा रहे हैं, हमारे बाहर से भगा रही हमको क्या? हेलो 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 हेलो, कहाँ है अपन? ये बात नहीं करते हो आप, हेलो नहीं करोगे? ये जाओ मम्मी को हेलो के क्या हो जा, अभी रोएगी रोएगी, थोड़ा कंफर्टेबल होने दे। वीडियो बना रही हूँ। बोलो हाय। बोलो मैं नहीं कुछ इतना ही आएगा आपका, इनने कुछ नहीं बोला। मिल ली मम्मी भैया से? मिल ली चले आप वीडियो मत बनाओ ना, वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? हमारा तो प्रोफेशन है, हमें तो बनाना पड़ेगा। ठीक है आप बना लो पहले, फिर मेरे से मिल लूंगी मम्मी से आके। मम्मी को मिलाने लाए हम तो। ठीक है बंद करके कैमरा और बंद करके।